मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी तब से नवीन भवनों की भरमार हो गई। वहीं पुराने भवनों को सहेजने की बजाय उनके धराशाही होने का इंतजार जिम्मेदार करते रहे, जिसकी वानगी उमरिया जिले में देखते ही बनती है। ताजा मामला पाली ब्लॉक का है, जहां पाली मुख्यालय में शिक्षा विभाग से जुड़े पुराने भवन जर्जर हालत में होते जा रहे हैं, जिनकी ना तो खोज खबर ली जा रही है, ना ही उन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वह कभी भी धराशाही हो सकते हैं। इससे जान माल का खतरा भी बना हुआ है। थाना भवन के समीप बना छात्रावास भवन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो गया है, जिसमें अब झाड़ उग गए हैं। वहीं स्थानीय स्कूल ग्राउंड में कुछ साल पहले बने भवन जर्जर होते जा रहे हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। इसी स्कूल ग्राउंड में बीते वर्षों बना सामुदायिक भवन भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि उक्त मैदान में बने कन्या विद्यालय भवनों को भी ढहा दिया गया, जिसमें आगे क्या बनेगा यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं। इस संबंध में कांग्रेस नेता संजीव खंडेलवाल ने चिंता व्यक्त करते हुए इस क्रियाकलाप का विरोध किया। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने जिला कलेक्टर से कार्रवाई करने की बात कही है। बहरहाल इन उपयोगी भवनों को लेकर आगे जिम्मेदारों द्वारा क्या पहल की जाएगी देखना दिलचस्प होगा। विदित होवे कि सरकारी भवनों के जर्जर होने का मामला शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, जिसमें जिम्मेदार आंख में पट्टी बांधे हुए नजर आ रहे हैं। कहा है कि जो ऑलरेडी पहले से भवन बने हुए थे उनकी जगह अतिरिक्त भवन बनाने का पता नहीं विभाग का कौन सा खेल चल रहा है। जो भवन पुराने बने थे उसका मेंटेनेंस नहीं है। कई करोड़ रुपए के भवन बने थे, अचानक धराशाही हो गए, फिर नया भवन बन रहा है। कल मैं मानपुर में था, मैंने वहां भी यह हाल देखा कि मानपुर क्षेत्र में किस तरह का हाल है। बांधवगढ़ में उस दिन हम लोग करकेली के पास थे, वहाँ भी हमने हाल देखा। आप अंदर निकल जाइए, कई करोड़ भवन आपको नए बनते मिलेंगे। जो पुराने भवन हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, और उनको बने ज़्यादा साल नहीं हुआ है, 10 साल पहले भवन बने हैं वो। पाली में आप चले जाइए, स्कूल ग्राउंड के चारों तरफ भवन बने हुए थे, आज उन भवन को धराशाई किया जा रहा है, उसके बाद वहाँ पर फिर नए भवन बन रहा है। तो आखिर जनता के पैसे की बर्बादी है ये। शिक्षक है नहीं, स्टाफ है नहीं, भवन आप बनाए पड़े हैं अभी। बल्कि जो जायज़ था पाली में, मंगल भवन एक पुराना था, नगर पालिका से हमने उसकी डिमांड की है परिषद की पहली मीटिंग में, तो जो चीज़ भवन बनना चाहिए उसकी बात नहीं हो रही है, उसके लिए एनओसी की बात चल रही है। और पूरे स्कूल ग्राउंड में जो पुराने भवन बने हुए थे उसको तोड़कर फिर नए भवन की बात कर रहे हैं। छात्रावास भवन जो आप जैसा बता रहे हैं, छात्रावास परिसर को आपने शिफ्ट कर दिया कहाँ, गिदरी में। आपने स्कूल क्लब खोल दिया कहाँ पर, जाके बरवसपुर में। उसके बाद रामपुर में आपने कन्याशाला खोल कर रख दिया। जो बच्चियाँ हैं जो वहाँ जा रही हैं परेशानी उसको हो रही है, स्थान चयन करता कौन है। और ये सब कुछ पिछले 10-15-16 साल से हो रहा है पूरा कहानी। पहले लोग सोचते थे शहर के बीचों बीच स्कूल होते थे, खेलने की जगह होती थी, आज स्कूल ग्राउंड ही खत्म हो गया। जिस ग्राउंड में हम लोग खेल कर पल कर बढ़े हुए हैं आज ग्राउंड ही नहीं है वहाँ पर। चारों तरफ भवन है और रात को तो पार्किंग लगती है वहाँ पर, अगर देखने में आ रहा तो। इतनी बुरी दुर्दशा इनके शासन काल में है और हर तरफ। देखिए, यह बात मुझे आपके माध्यम से और अन्य जन सामान्य के माध्यम से सुनने और देखने में आया है कि बहुत सारे सरकारी इमारतें हमारी बनी हुई हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है। बन के वो ताला लग के पड़ी हुई है लेकिन ना उसमें कोई कार्यालय लगता, ना किसी भी प्रकार की उसकी उपयोगिता है। लाखों करोड़ों रुपए शासन के बर्बाद हुए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यह किसी के संज्ञान में नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से और आम जन के माध्यम से यह जो बात सामने आ रही है, इन सभी बातों से मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊँगा। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कई बिल्डिंगें बनी पड़ी हुई हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है, और उसके अलावा अन्य निर्माण कार्य करके शासन की राशि को व्यर्थ में बर्बाद किया जाता है, तो ऐसे कामों में भी रोक लगनी चाहिए। और जो यदि हमारी पुरानी इमारत है अगर वह 10-50 हज़ार में रिपेयरिंग लायक है तो हम उसे रिपेयरिंग करा के उसका उपयोग करें, ना कि लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगाएं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों की जाँच होनी चाहिए। और हम भी यह नहीं चाहते, हमारी सरकार भी यह नहीं चाहती, और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना भी है कि हम सर्वप्रथम लोगों को हित और लोगों के सहयोग और लोगों की सुविधा की दृष्टि से आम जन व्यक्ति, आम जनमानस कैसे खुशहाल रहे उनकी खुशहाली को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये उल जलूल काम करके जबरदस्ती शासन के पैसे का दुरुपयोग न करें। जो इमारत अगर काम लायक है उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कराकर हम उस संस्थान को वहीं पे लगाएं। अनावश्यक निर्माण कार्य कराने से शासन का बजट भी खत्म होता है, और इस प्रकार के आयोजन से लोगों के मन में एक हताशा निराशा आती है कि बनी बनाई बिल्डिंग पड़ी हुई है उसकी जगह हम दूसरी जगह निर्माण कार्य करा रहे हैं। बहरहाल जो आप बता रहे हैं उसकी मैं जांच करवाकर माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर इस प्रकार के कामों की जांच करवाऊंगा। वीर सिंह प्रपाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।